ये वैलेंटाइन डे के नाम से जो बदतमीजी की रस्म पूरी दुनिया के ऊपर है, और बदकिस्मती से वहां तो इतना इसका जोर शोर नहीं होता उन ममालिक में जितना पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में होता है, और यहाँ वो फूल दे करके किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोमिन के तो खमीर में मोहब्बत रखी गई है और वो सवेर से लेकर शाम तक मोहब्बतें ही बांटता फिरता है। हम मोहब्बत के लिए एक दिन को मखसूस नहीं करते, हमारा हर लम्हा प्यार बांटने वाला होता है, और वो मोहब्बत नहीं है जो गैर महारम के साथ होती है, वो बेहयाई और शहवत का एक रूप होता है। मोहब्बत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो माँ है, मोहब्बत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो ये पाक बाज हस्ती है इस दुनियावी रिश्तों में, और फिर बाप है तुम्हारा, और तुम्हारे अज़्ज़ो अक़रबा हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, और हम सवेर से लेकर शाम तक मोहब्बत ही बांटते रहते हैं। पता नहीं लोग एक फूल से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सवेरे मजदूर मजदूरी पे जाता है और बुढ़ापे के बावजूद वो शाम तक जो है वो अपने कमजोर कंधों पर और कमजोर वजूद पर जो है वो बोरियां उठा उठा करके शाम तक मजदूरी करता है, और शाम को जब वो वापस आता है तो वो दोपहर का खाना भी थोड़ा खाता है कि मेरे पैसे बच जाएं, और बाज़कात वो पैदल चल के आता है। तो क्या अपनी औलाद के साथ मोहब्बत का सबूत इससे बढ़कर भी कोई चाहिए? तो ये तो मोहब्बत ही है, इस्लाम तो मोहब्बत देता है, लेकिन ये वैलेंटाइन डे के नाम से बदतमीजी और भैया बाख्तगी का एक प्रोग्राम है। मुसलमानों को ऐसी रस्में, अगरचे ऐसी रस्मों के नुकसानात ना भी हों जो मगरब से आती हैं या दीगर जो हैं वो लादीन कुवतों से आती हैं और या किसी और दीन से आती हैं, उन रस्मों की भी नफी की गई है। चे जाए कि वो रस्म जो इस्लाम के बुनियादी मिजाज के खिलाफ हो। हर दीन की कोई पहचान होती है, इस्लाम की पहचान हया है, और अगर आप मुझे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है तो मैं कहूंगा इस्लाम का दूसरा नाम दीन हया है। तो हमें तो इसका सबक दिया गया है, तो हमें अपने बच्चों को भी और अपने मिलने वालों को भी सख्ती से नफरत के साथ इसकी नफी करनी चाहिए, और हमें मोहब्बत का जो फरोग है हकीकी और पूरी जिंदगी पर मुहित और फैला हुआ है उसका इजहार करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकअल्लाह।